भाजपा के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रही सरकार ने बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है पूरे सूबे में बेलगाम होते जा रहे अपराधियों ने आज पटना में मौत का तांडव खेला पटना शहर से सटे जेठुली में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ 50 राउंड से अधिक फायरिंग हुई दिन दहाड़े दो लोगों की हत्या कर दी गई जिसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई नतीजन एक घर और कम्युनिटी हॉल में आग लगा दी गई पटना में मौत का ये खेल मामूली विवाद के कारण हुआ सड़क किनारे गिट्टी गिराने को लेकर पहले बहस हुई और फिर गोलियां चलने लगी शहर से ठीक सटे इलाके में अपराधी बेखौफ होकर गोलियां चलाते रहे और लोगों को अपना शिकार बनाते रहे घटना के दौरान पांच लोगों को गोलियां लगी जिनमें दो की मौत हो गई और तीन लोगों को बेहद ही नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया गोलियां चलने की पूरी घटना समाप्त होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची जबकि ये घटना पटना शहर से ठीक सटे जेठुली गांव में हुई ये एरिया पटना के नदी थाना क्षेत्र में आता है फायरिंग में मारे गए युवक गौतम कुमार के चाचा संजीत कुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी अपनी पार्किंग में लगी थी तभी गाड़ी के सामने कुछ लोग गिट्टी गिराने लगे ऐसे में जब उन्होंने मना किया कि वह वहाँ गिट्टी ना गिराए तो दोनों पक्षों में बहस हो गई जिसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई संजीत कुमार ने बताया कि उमेश राय गुट के लोगों ने उन पर पचास राउंड से अधिक गोलीबारी की उनकी गोलियां पाँच लोगों को लगी जिनमें से गौतम कुमार और एक अन्य की मौत हो गई बाकियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है मामले की जानकारी पुलिस को कई देर पहले लगने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। गोलीबारी और मौत के इस तांडव के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई पुलिस के जल्द हरकत में न आने के कारण गाँव के लोगों में उत्पात मच गया और उन्होंने जेठुली में एक घर और एक कम्युनिटी सेंटर को आग लगा दी साथ ही कुछ गाड़ियों में भी आग लगाई गई है घंटों मौत का ये खेल चलता रहा तब जाकर पुलिस वहां पहुंची। अब बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की गांव में तैनाती की गई है नदी थाने के थानेदार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है फिलहाल पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है पूरा मामला आज बारह बजे दोपहर का है हम लोग दूसरे काम में थे हमारे भतीजा आप जिनको गोली लगी आप उनके कौन बोल रहे हैं ये बताइए पहले हम उनके चाचा हुए उनके चाचा कितने लोगों की गोली लगी है पांच लोगों की गोली लगी और कई लोग मतलब जख्मी भी हैं पांच लोग पूरी तरीके से जख्मी जिसमें एक मेरा अपना भतीजा गौतम कुमार घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई मृत्यु के पश्चात दरिंदगी ये देखिए कि वो लोग उस पर से भी हॉकी लाठी डंडा पीट रहे थे वो जब उमेश राय थे क्यों? उमेश कारण है सिर्फ मतलब गाड़ी पार्किंग हमको निकालना था अपने निजी पार्किंग में से गाड़ी को निकालना था जहाँ उनका गिट्टी गिर रहा था जो वैशाली ज़िला में जाता है वो भी अवैध गिट्टी है और उसको ड्राइवर को बोला गया कि आप थोड़ा गाड़ी साइड कर लीजिए हम निकाल लेंगे फिर आप पुनः गिट्टी गिरा लीजिएगा उतने में उसके ड्राइवर उन लोगों को बुलाकर जो पूरे मतलब पहले से मनसा पाले हुए थे क्या था वो सब हंसवे हथियार से आए जिसमें कट्टा था बंदूक था राइफल था ए के था उसके बाद जाकर हॉकी था डंडा था बैठ था वो सब आया बीस पच्चीस लोग और हमारे गोतिया के कुछ लोग उस समय तक मौजूद हो गए थे और हम लोग निहत्ते थे हम लोग पे मतलब अंधाधुन गोलियां चलाने लगा लाठी डंडाने लगा उसमें पांच लोग मतलब गोली लग गया जिसको एन एम चलाते लाते मतलब वो डेथ कर गए डेथ गौतम कुमार की हुई है और चार लोग पी में इमरजेंसी में भर्ती हैं जी उनका नाम रौशन कुमार है नगेंद्र राय है मुनारिक राय है चनारिक राय है